आप लोगों को ट्रक चलाने के लिए कुछ बेसिक चीजें वो पता ही लग ही चुका होगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी चीजें जो कि आप लोगों को सबसे पहले सीखनी है। तो आप देख सकते हो कि गाड़ी का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है आराम से, तो यही चीज है। तो अब जो कि गाड़ी का अभी थोड़ा हुआ प्रेशर, तो देखना आप क्लच कितना स्मूथ हो गया, देख सकते हो ये देखो। तो वीडियोस देख के आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको खुद जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो ट्राई करो, मतलब सीखो, लोगों के साथ जाओ, ये मत सोचो कि कंडक्टर का काम गलत है, मतलब इसी से आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा और आप लोग सीख पाओगे। तो हर बंदे को पहले यही करना पड़ता है, फिर ही वो ड्राइवर बन सकता है। तो आप लोगों को भी, तो गाइज आप सभी लोगों की डिमांड के ऊपर बहुत दिनों के बाद फाइनली हम एक वीडियो लेके आ गए हैं, जिसमें कि हम आप लोगों को सिखाएंगे कि इन जैसे ट्रकों को कैसे चला सकते हो, वो भी मजे से। तो इनको चलाना बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा जिगरा लाना पड़ेगा, जो कि हम आपको बताएंगे कि कैसे ला सकते हो। अरे कैमरामैन चिड़ी और ये हमारे मोटा, इनको तो आप जानते ही हो, बड़ी प्यारी चीज है ये। तो चलो भाई आज आपको कुछ बेसिक सी चीजें सिखाएंगे, जहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि भाई ट्रक क्या है और कैसे मतलब कि चलता है और क्या रोड प्रेजेंस होगी इसकी। तो चलो भाई दिखाते हैं अभी आप। ओ भाई, ओ कंडक्टर साहब नीचे उतरो भाई, देखो हमारा कंडक्टर उस्ताद को ही भूल गया भाई, चढ़ गया ऊपर। आपको सबसे पहले अगर ट्रक चलाना है तो आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो भाई आप ड्राइवर बिल्कुल नहीं बन सकते, आप लोगों को सबसे पहले कंडक्टर बनना पड़ेगा इन जैसे लोगों के लिए। भाई ये हम पहाड़ वाली कंडक्टर, तो भाई इसको नहीं, भाई कंडक्टर नहीं अपना दोस्त है। तो चेक कर सकते हो इस ट्रक की इतनी रोड प्रेजेंस है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो आपको ये नहीं देखना कि भाई यहाँ से फॉलो करना है, आपको भाई यहाँ से चेक करना कि भाई गाड़ी की रोड प्रेजेंस कितनी है। ये देखो दिखना भाई, बहुत ज्यादा फर्क होता है यहाँ से। तो इसी हिसाब से आप लोग गाड़ी चला सकते हो कि गाड़ी कैसे रोड के ऊपर परफॉर्म करेगी और कितना रोड खींचेगी। लोगों को उस बेसिक सिखा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आप लोगों को रोड पे भी चेक करवाएंगे कि क्या ही प्रेजेंस रहे। तो अभी तो फिलहाल हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे एक ट्रक को स्टार्ट करना और कैसे उसके इंजन को मतलब कब तक स्टार्ट रखना और कैसे उसको चलाना है। तो चलो भाई लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि गाड़ी का प्रेशर कितना है, तो वो जो प्रेशर पे, क्योंकि ये पूरी गाड़ी जो की है, तो हर एक गाड़ी में तो पता नहीं, लेकिन जो हमारी गाड़ी है जो कि आजकल आ रही है, वो सब गाड़ियां प्रेशर के ऊपर वर्क करती हैं। अगर आप लोगों की गाड़ी का प्रेशर डाउन होगा तो गाड़ी का ना ही क्लच वर्क करेगा ना ही ब्रेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अभी हमारी गाड़ी का प्रेशर क्या है, रुको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो प्रेशर कितना भाई, अभी मतलब 4 से कम ही है, तो ये एक बहुत कम प्रेशर होने की निशानी है। तो अभी यहाँ देख सकते हो इसके साइड इफेक्ट क्या है। तो ये देखो भाई, ये जो ब्रेक है वो कितनी हार्ड हो चुकी है भाई देख सकते हो ब्रेक कितनी हार्ड हो गई, और क्लच का तो रह नहीं दो, क्लच बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुका है। तो अभी जब हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसका प्रेशर बढ़ेगा, तो तब आप लोग देखना कि भाई ये कितना स्मूथ हो जाएगा, मतलब कि अगर आप पैर भी रखोगे ना तब भी क्लच आराम से दब जाएगा पूरा। तो चलो भाई अभी मैं दिखाता हूँ। तो गाइस कुछ गाड़ी की बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पहले सीखनी है ट्रक चलाने से पहले, क्योंकि ट्रक चलाना थोड़ा इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा तो मुश्किल है जिन लोगों ने कभी मतलब चलाया नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे कि मतलब कि ये गाड़ी का प्रेशर है, ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर तो पूरी गाड़ी का सिस्टम कंट्रोल होता है। अगर ये नहीं तो भाई गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी, मतलब इसके भाई देख सकते हो अभी प्रेशर लो है ना, ये देखो जब यहाँ लाल पे होती है ना, तो इसका मतलब होता है लो, मतलब अब जब तक ये सुई जब तक यहाँ तक ना या यहाँ तक मतलब इस चीज़ से आगे ना पहुँच जाए, तब तक आपको ट्रक चलाना ही नहीं है। क्योंकि अगर ये होगा ही नहीं तो भाई आप लोगों का, जैसे ये क्लच देख सकते हो अभी, ये देखो कितना हार्ड है भाई, इसको मतलब पूरा जोर लगाना पड़ रहा है दबाने के लिए। लेकिन अगर उसी तरफ अगर मैं इसको स्टार्ट करके आप लोगों को बताऊंगा ना, और आप लोग सोच रहे हैं कि प्रेशर कैसे बनता है, तो भाई प्रेशर आसान है बिल्कुल, बस आप लोगों को अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है। 2 मिनट के लिए रुक जाओ, आप अशोक लेलैंड की गाड़ी यूज करते हो, तो अब 2 मिनट के बाद जैसे इग्निशन गाड़ी को ऑन हो जाए, बस अब जैसे ही गाड़ी का ये हो जाए, तो आपको गाड़ी का बिल्कुल हल्के हाथों से सेल्फ देना है। तो बस हमने फाइनली अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि ये जो सुई है धीरे धीरे ऊपर जा रही है, देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे मतलब अब जब भी मैं एक्सीलेटर को दबाऊंगा ये ज्यादा जल्दी जाएगी। लेकिन आपको कभी भी खड़ी गाड़ी का एक्सीलेटर नहीं देना जब तक गाड़ी अच्छी तरह से स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि अभी गाड़ी का इंजन है कि वो ठंडा पड़ा हुआ है जब तक अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हो कि गाड़ी का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है आराम से, तो यही चीज है। तो अब जो कि गाड़ी का अभी थोड़ा हुआ प्रेशर, तो देखना आप क्लच कितना स्मूथ हो गया, देख सकते हो ये देखो। तो भाई यही चीज है, देख लो आवाज कैसे आ रही है भाई, चेक करो। तो भाई यही चीजें कुछ चीजें हैं जो कि आपको सबसे पहले सीखनी है कि गाड़ी कैसे ड्राइव कर रही है। तो अभी देख सकते हो गाड़ी का स्टेयरिंग मतलब बिल्कुल ही लाइट है। तो ट्रक, जो लोग सोचते हैं कि ट्रक का स्टेयरिंग बहुत ही हार्ड होता है, तो उनको मैं बता दूं कि ट्रक का स्टेयरिंग कार से भी ज्यादा भाई हल्का होता है, देख सकते हो। तो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है भाई, बस आप लोगों को कुछ कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ी देर सीखना पड़ेगा।
और इस गाड़ी में जो कि हमारी गाड़ी में तो भाई हर गाड़ी में मतलब डिफरेंट टाइप्स के गियर होते हैं, जैसे 10 चक्का 12 चक्का, मतलब उनमें अलग अलग टाइप्स के गियर आते हैं। लेकिन जो जो ये 6 चक्का अशोक लेलैंड की गाड़ी है, इसमें 6 गियर आते हैं और 1 रिवर्स के साथ। तो ये रहे गियर कुछ इस तरह से इसके, तो देख सकते हो बिल्कुल कारों की तरह इसके गियर टाइप है, मतलब ज्यादा कुछ कष्ट करने वाला नहीं है, बस आप लोगों को सीखोगे तो एक बार पता चल ही जाएगा। तो ज्यादा हैवी भी नहीं है इसके गियर लगाना, जैसे ये देख सकते हो अभी अभी ये यहाँ पे हो गया न्यूटन, कार की तरह ही है बिल्कुल इसका सिस्टम भी, तो ज्यादा कुछ हैवी भी नहीं है इतना। तो अभी यार देखो न्यूटन हो चुका है, देख सकते हो। तो अभी यहाँ से ही मैं जैसे क्लच को फुली प्रेस करना है भाई, तो एक बात याद रखना कि आपको क्लच को हमेशा फुली प्रेस करना है। अगर हल्का गियर डाल के गाड़ी को क्लच गियर डालोगे ना, तो गाड़ी का गियर अटक जाएगा बीच में, तो ये भी कुछ नुकसान की चीजें हो सकती हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ये देख सकते हो यहाँ से, तो ये रहा पहला गियर इसका, इधर से यहाँ से ये हो गया पहला गियर। तो बिल्कुल ये आसान था पहला भी डालना, तो फिर उसी के बाद इसको ऐसे करना और ये हो गया दूसरा गियर। तो ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आप लोगों को लगता कि मुश्किल है लेकिन बिल्कुल ही आसान है भाई ट्रक को चलाना। तो इसी के साथ फिर से हम आ जाएंगे न्यूटन पे, और फिर बिल्कुल इधर नहीं करना ना इधर करना, सीधा तीसरा। तो ये भी चीज बहुत ही ज्यादा आसान है। तो फिर इसी के साथ हमारी गाड़ी का चौथा गियर, और फिर यहाँ से फिर इधर करके ये पांचवा, और फिर यहाँ से ये करके छठा। तो कुछ आप लोगों को सीखनी है, तो भाई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता ट्रक का गियर जो लोग सोचते हो। और अगर आप लोगों को रिवर्स डालना है तो रिवर्स के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ जाके थोड़ा सा और करना है, और ये हो गया हमारी गाड़ी का रिवर्स गियर। तो इतना कुछ ज्यादा नहीं है भाई ट्रक चलाने में, बस आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे वो मिरर्स, क्योंकि मिरर्स के ऊपर ही गाड़ी ये डिपेंड होती है। तो अब ये गाड़ी 22 फीट है, तो इस गाड़ी को चलाना मतलब पीछे सारा ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, मतलब बस आपको बस ये पूरी गाड़ी के ऊपर ध्यान रख के चलानी पड़ेगी, बाकी गाड़ी को चलाना बिल्कुल आसान है। तो चलो आप लोगों को ट्रक चलाने के लिए कुछ बेसिक चीजें को पता ही लग ही चुका होगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी चीजें जो कि आप लोगों को सबसे पहले सीखनी है, तो वो हम आप लोगों को आगे ऐसे डेली पार्ट्स आते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को आगे भी पार्ट्स चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना, आपका भाई डेली ऐसे पार्ट्स लाता रहेगा। तो बस अभी हमें कुछ बेसिक चीजें और है जो कि बाहर वाली साइड से है, जो कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अब आप कुछ चीजें देखो कि देख सकते हो, जैसे इधर आपको जैसे कि देख सकते हो अब गाड़ी का प्रेशर बन चुका है, देख सकते हो हम गियर को बिल्कुल घर चेक करो, बिल्कुल एकदम आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। देखो यहाँ से देखो ऐसे बस, और ब्रेक भी बिल्कुल इसकी, तो बस यही कुछ निशानियां कि प्रेशर से यही होता। तो यही कुछ चीजें जो कि आपको फॉलो करनी है। और भाई सबसे पहले आपको आपके पास अगर गाड़ी है, देख सकते हो गाड़ी, कुछ गाड़ियों का स्टीयरिंग ऐसे सीधा होता है, कुछ गाड़ियों का थोड़ा सा इधर भी होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब कि स्टीयरिंग तो सीधा ही रहता है, बस आपको पहले सबसे पहले स्टीयरिंग पे कंट्रोल करना है। तो यही चीज हम आप लोगों को आगे भी बताएंगे रोड प्रेजेंस के ऊपर। तो अभी हम आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें सिखा रहे हैं, तो अभी अपनी गाड़ी की हालत तो बहुत बुरी हुई पड़ी है, इसको भी हम जल्दी सेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों के लिए डेली वीडियोस आएगी, बस आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। और भाई अभी हम आप लोगों को कुछ पीछे से भी चीजें बताएंगे, तो चलो भाई। तो गाइज आज के लिए आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या चीज़ें होती हैं एक ट्रक को चलाने के लिए। तो आज के लिए मेरे को लगता है इतना बेसिक सा काफ़ी है, अभी ये रोड प्रेजेंस वाला जो सीन है वो आप लोगों को कल वाली वीडियो में मैं अच्छी तरह समझा दूंगा। तो यहाँ से आप लोगों को पूरा चेक करना भाई, तो ये होता है कूलेंट डालते हैं मतलब गर्मियों में, तो अभी तो हमने फिलहाल इसमें पानी और कूलेंट दोनों मिक्स करके डाला हुआ है। तो इसको आप लोगों को यहाँ तक रखना है, क्योंकि इससे जो किया गाड़ी हीट नहीं होगी, और इसको कभी ख़त्म नहीं होने देना, अगर ये ख़त्म हो तो आपकी गाड़ी हीट कर जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हमारी गाड़ी खाली है, इसलिए हमने इसको खाली किया हुआ है। तो देख ले सकते हो आप बहुत दिनों से खड़ी है, धूल वगैरह जम चुकी है। तो बस यही कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, और भाई और भी बाकी जो की चीज़ें गाड़ी की हैं वो आप लोगों को हम डिटेल में नीचे से समझा देंगे, मतलब कि कौन से पार्ट्स क्या काम करते हैं और क्या है क्या सीनिंग है, तो उसका व्लॉग भी हम अगले सीरीज में डाल देंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से आप देख सकते हो ड्राइवर बनना, तो आप लोगों को सबसे पहले कुछ चीज़ चेक करनी है, जैसे कि ये गाड़ी के टायर्स हो गए। तो आपको हर ट्रिप से पहले ये गाड़ी के अच्छे से टायर चेक करने हैं, स्टपनी वगैरह सब कुछ, मतलब पूरी गाड़ी का एकदम अच्छे से राउंड लगाना, मतलब गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें जो कि आप लोगों को पहले सीखनी है। और अगर आप लोगों को ड्राइवर मतलब अच्छी तरह से मतलब एकदम तगड़ा वाला ड्राइवर बनना है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक अच्छे प्रोफेशनल जो कि मतलब 5-6 साल से जिसका एक्सपीरियंस हो, उन जैसे बंदों के साथ आप लोगों को मतलब हेल्पर की तरह रहना, मतलब वो आपको अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। तो वीडियोस देख के आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको खुद जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो ट्राई करो, मतलब सीखो, लोगों के साथ जाओ, ये मत सोचो कि कंडक्टर का काम गलत है, मतलब इसी से आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा और आप लोग सीख पाओगे। तो हर बंदे को पहले यही करना पड़ता है, फिर ही वो ड्राइवर बन सकता है। तो आप लोगों को भी जाके सबसे पहले, और अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा मतलब आज वाले व्लॉग्स में, तो हम कल से डेली व्लॉग्स लाएंगे इस ट्रक की सीरीज़ के ऊपर।
तो अब कल वाली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि ट्रक की रोड प्रेजेंस क्या है और कैसे इसको मतलब रोड के ऊपर ड्राइव करना मतलब हर चीज़ आप लोगों को सिखाएंगे। बस आप लोगों को एक चीज़ कर लेनी है, हमें सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना।